In the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashima. What's the matter, Stray? Nothing left to lose? Well, would you look at that? Fascinating. Will you join me, Starving Wolf? On that day, a young cub was taken from the battlefield. He trained relentlessly, and indeed, went on to become a master shinobi. Listen, Wolf. You must never forget the Shinobi Code. As your father, my word is absolute. Your master's is a close second. As of today, he is your master. Defend him with your life. If he is taken, bring him back at any cost. You understand me, don't you, Wolf? Some 20 years after Ishin's coup, the Ashina clan was on the brink of collapse. And the shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in and the boy he had sworn to protect. Shinobi, open your eyes. For the sake of your master. कठिनाइयां जो हर किसी की जिंदगी में आती है, बहुत सारे लोग इन कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, लेकिन अगर इनको अपना लिया जाए, इनका सामना किया जाए, तो ना सिर्फ आपको ये ताकतवर बनाते हैं बल्कि इनसे लड़ने का हुनर भी सिखाते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये कहानी है शौर्य की, साहस की
आत्मसम्मान की और बलिदान की। ये कहानी है सेकिरो की। नमस्कार देवियों और सज्जनों एंड माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस का पहला एपिसोड। आरंभ किया जाए, आइए। मैंने कहा था आपको एक नई महागाथा का आरंभ करने वाले हैं और वो यही है। फिलहाल जो हर बार मैं बोलता हूं, एक नई सीरीज में फिर से बोलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी लेटर, एक ये वही लेटर जो ऊपर से किसी ने फेंका हमारे लिए। क्रोज वुल्फ, योर डेस्टिनी अवेट्स यू एट द मून व्यू टावर, एस्केप फ्रॉम द वेल एंड फाइंड द टावर बाथ इन टू द मून लाइट। ये लोकेशन फाइंड करनी है हमें, वो टावर जो जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है। हमारे पास कोई ब्लेड नहीं है, कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तक पहुंच सकते हैं अगर हम साइलेंटली आगे बढ़ते हैं तो। ऑल राइट, कहते हैं कि बहुत टफ गेम्स होते हैं जिनमें एक नाम ये भी आता है, सेकिरो शैडोज डाई ट्वाइस का भी, तो देखते हैं कितना कठिन है, क्या होता है। बहरहाल मैं ये कहने वाला था, पहला एपिसोड जज मत करो, आप करोगे भी क्या, इसका नाम आपने ऑलरेडी बहुत बार सुन रखा होगा। मैं एक मिनट, हाँ, लेकिन मुझसे अभी तक सामना नहीं हुआ था इस सीरीज का। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई टिप्स ट्रिक्स हो, यू आर मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम, आप शेयर करना चाहो, बट हाथ जोड़ के बहुत ही प्रेम पूर्वक आपसे निवेदन करूंगा, कुछ भी स्पॉइल मत करना, नॉट अ सिंगल थिंग, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भी स्पॉइल मत करना कि मुझे वहां पे हाइड दिस यूजर फॉरएवर फ्रॉम दिस चैनल पे क्लिक करना पड़े। बाकी आप कुछ बताना चाहो, कहना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, कंट्रोल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कहानी क्या चलेगी कुछ ऐसा पता नहीं है, बट हाँ, थोड़ा जो हमने स्टार्टिंग में साथ में ही देखा है उससे कुछ बातों का पता मैं लगा पाया हूं जो आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा भी कंट्रोल्स की तरफ ध्यान दे रहा हूं क्योंकि इसमें अगर मिस कर गया तो आई डोंट नो बाद में समझाएंगे या नहीं। तो स्टॉप हगिंग वॉल, एडवांस विदाउट बीइंग सीन बाय क्राउचिंग, ओके ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। आपके पास कोई हथियार नहीं है, स्टिल्थ मोड का यूज करो और मून टावर तक पहुंचो, मून व्यू टावर तक, सॉरी। वार्निंग मार्कर अपीयर होगा अगर आप दिखने वाले हो, एनिमीज आपको देखने वाले हैं तो। ऑलराइट, That shinobi at the bottom of the well. We didn't shackle him, restrain him, nothing. That doesn't worry anybody? Not at all. Not only is he unarmed, he has completely lost his will to live. Nothing but a coward. Unworthy of our concern. Underfloor movement. Your wolf can slip into tight spaces such as beneath floors and lounge. Okay. Quick items. ये सब चीजें भी लॉक पड़ी हुई हैं शायद, अभी इसको एक्सेस ना करें तो बेहतर होगा, बाद में देखते हैं आराम से। जितनी कहानी मैं अभी तक समझ पाया हूं उसकी, उसके बारे में अगर आपसे बात करूं तो हमने एक देखा कि जो वॉर था, कुछ चल रहा था, युद्ध, महायुद्ध था, बहुत सारे लोग मारे गए और उसी युद्ध में कहीं पे एक जगह पे कोई योद्धा आता है जहां पे जिसकी नजर हम पर पड़ती है और वो हमें अपने साथ लेके जाता है। काफी सारी कहानी का पार्ट बीच में, The moon view tower door. You check that it's locked, right? It's certainly locked, but nobody fixed that hole in the wall. Oh. That? Don't worry about it. The hole faces the edge of a cliff. No one could pass through it. चलो ठीक है, लॉक पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी कोई होल है जहां से होके हम जा सकते हैं। बट ये लोग मूव करें तब तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, ऐसे कैसे, या इधर से कोई रास्ता है आई थिंक। हाँ, एक योद्धा हमें पनाह देता है, हमें सिखाता है आई थिंक उसी की तरह जिस तरह वो योद्धा बना एंड ऑल। और हमें कोई टास्क दिया गया था बाद में किसी बच्चे की, बच्चे को बचाने के लिए शायद, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि दो दो कहानियां एक साथ चल रही थी। पहला जहां पे किसी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक गाय हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड शिमुराई इन घोस्ट ऑफ सुशीमा इज द सेम गाय हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ इशिन अशिना आई थिंक, जिस मैं कहना चाहता हूं कि जो लॉर्ड शिमुरा का कैरेक्टर जिस इंसान ने निभाया था, मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद ये वही इंसान है जिसने, जिसके बारे में पहले अभी जिक्र हो रहा था इशिना को लेकर, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। तो हाँ, एक कहानी उस इंसान की थी और एक हमारे उस योद्धा की थी जिसने हमें पनाह दी थी। तो
हमने ये देखा कि 20 साल बीत चुके हैं उस बात को, और दो चीजें हुई हैं। पहला, उनकी सल्तनत अब शायद गिरने वाली, खत्म होने वाली, ऐसा कुछ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहानी को लेकर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो सकती है, प्लीज वो कन्फर्म मत मानना। अभी उतना ही बता पा रहा हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ, ठीक है? तो जितना आपको समझ में उतना मैं समझाऊँ, तो मिस्टेक्स होंगी, क्लियर हो जाएंगी आगे आराम से, बट बात करना जरूरी है ना, क्लियर होता रहे चल क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि वही तो मेन चीज है। इसीलिए तो आप देखते हो बैटल पे वीडियोस की आपको स्टोरीज क्लियर होती रहे ना साथ में, यही नहीं होगा तो कैसे काम होगा। ओ, इसी होल की बात, बच्चा है सामने शायद कोई। You did well to come here. It's been too long, Wolf. I've come to free you, my lord. ये बात आपसे कहने वाला था मैं। Well then. Raise your head. Whoa. Kusabimaru, your sword. My shinobi. In accordance with the bond of Lord and Retainer, you will pledge your life in my service. As you command. Katana given by Kuro, the Divine Heir, an heirloom of the Hirata family, a cadet branch descended from Ashina, once thought lost. ऐसा माना गया कि गुम हो चुकी है, बट इसने अपना रास्ता खुद वापस तय किया हमारे हाथों में। वुल्फ, हमारा जिक्र, हमारी बात की जा रही है यहाँ पे। वुल्फ किस ईवर्ड यूज किया गया था Assassin's Creed वल्हला में, और यहाँ वुल्फ यूज किया जा रहा है। माय द नेम जो ये है Kusabimaru. Shinobi's role is to kill, but even a shinobi must not forget mercy. अच्छा, एक shinobi का role क्या होता है? Kill करना, लेकिन वो दया की भावना ना भूले। अच्छा, ये मंत्र शायद इसी ब्लेड पे लिखा हुआ है। मैं आपसे जो कहने वाला था वो ये था, talk. Loyal wolf, I see you are wounded. I have something that may help. It is a special gourd of medicinal waters. Use it to heal your wounds. ओके, चीजें सिखाई जा रही धीरे धीरे। बहुत होगा, पहला एपिसोड है, मैंने पहले बताया था ना, बहुत, ये समझ लो आप ट्रेनिंग की तरह है, तो बहुत कुछ होगा अभी। हीलिंग अ गुड फीलिंग विद अ वाइटलिटी इन द मेडिसिन, रेस्टिंग रिफ्रेश द गॉड 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 आई डोंट नो, मेड बाय एन अप्रेंटिस ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी डॉक्टर डोगेन, शायद किसी डॉक्टर डोगेन ने बनाया इसको। दो इट स्ट्रेंज दैट द गॉड्स मेडिसिन वाटर रिफिल ऑटोमेटिकली, द सीड्स विद इन मे होल्ड द सीक्रेट टू हाउ इट वर्क्स। एक मिनट, ये अपने आप रिफिल हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेंज बात है डॉक्टर स्ट्रेंज कि ये इसकी वाटर अपने आप ऑटोमेटिक रिफिल होती, लेकिन इसके अंदर जो सीड्स हैं उसके अंदर ऐसा कुछ है, ये हमारी काम की चीज़ वैसे नहीं है, ये डॉक्टर का अपना कुछ होगा कि कैसे खुद को ये फिर से पानी इसके अंदर, जिस तरह से जब थोर की मुलाकात होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, उसी ने आपने देखा होगा जब वो बियर पी रहा होता है, बियर खत्म होता है, बियर अपने आप ब्र से भर जाती है, कुछ ऐसा ही मे बी डॉक्टर। Now then, were you gravely injured? Afterward? After what? Do you not remember that night? I do not. No. We'll talk about it later. Right now, we must escape Ashina Castle. Okay. As you say. There's a secret passage beneath the moat bridge that will take us out of the castle. Lord Ishin told me about it once. I ask you to find that secret passage. Once you find it, signal me with a reed whistle. You know, like you used to long ago. I will join you as soon as I hear it. कोई सीक्रेट पैसेज जो हमें फाइंड करना है, उसके बाद यार दोनों कहानी आपस में मिली हुई है यहाँ पे, मैं अलग अलग समझ रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझाता हूँ आपको। You can cycle through various quick items and use each according to situation. ठीक है, अगर आपको डैमेज मिला है तो आप अपनी वाइटलिटी रिकवर कर सकते हो हीलिंग गार्ड से, इससे क्विक आइटम आएगा और इसे साइकिल कर सकते हैं। जरा दिखाना कैसे करेंगे, है?
बट मेरे पास कुछ है, एक सेकेंड, कुछ है नहीं शायद, लॉक पड़ी हुई है। अरे अभी कुछ मिला ना हमें, वो इन्वेंटरी आइटम करेंटली इन पोजिशन कैन बी व्यूड थ्रू द इन्वेंटरी मेनू, दिस दिस दिस, ठीक है। हीलिंग ये है तो ये क्या है, अच्छा तो वही है हेल्थ के लिए। और ये क्या है, होम वार्ड आइडल, अ स्मॉल पाम साइज वुडन बुद्धा कैन बी यूज रिपीटेडली, कई बार इसको यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे किस लिए करेंगे हम, टू रिटर्न होम, ओके इसका यूज बाद में करके देख लेंगे मे बी, फिलहाल इसका क्या करना है, यूज हीलिंग गॉड, तो इसको इक्विप करो ना। वाओ जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड रुकना, आई थिंक ये लॉक पड़ा इसलिए तो नहीं, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी मेरी माई मिस्टेक, ये कोई आइटम हम खुद लेके यहाँ से लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ ये वाला ऐसे, अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक दैट जो अभी जीरो दिखा रहा है, और इसको यूज करने के लिए ये बटन प्रेस करना होगा, लेकिन ये खत्म हो चुका है, लाइक दैट। हाँ मैं ये कह रहा था दोनों कहानी आपस में मिली हुई है, किस तरह से मैं बताता हूँ, एक वहाँ पे एशन असीना, कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, असीना, लॉर्ड असीना, असीना असीना, अगर ये ओपन कर दो फिर और क्या है यहाँ पे, और भी देख लेता हूँ एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले, मे बी यहाँ कोई कलेक्टिबल आइटम या सीक्रेट कुछ हो तो मैं लेके जाऊँगा, मैं इस तरह से क्यों भागूँ। हाँ ये देखो पैलेट, मेडिसिनल पैलेट स्लोली रिस्टोर वाइटलिटी, ओ वाओ, अ सीक्रेट ट्रीटमेंट पास डाउन फॉर जनरेशन इन दिस, ठीक है, अ पिल केस फुल ऑफ दिस पैलेट्स आल्सो हैज अ बैटल चार्म, तो पैलेट यूज कर सकते हैं तो कर लेते हैं, अभी मेरी हेल्थ अभी फुल नहीं है वैसे, ओके ऑसम। दोनों कहानियां आपस में किस तरह जुड़ी है मैं आपको समझाता हूं, रुकना, वहां पे लॉर्ड अशिना ने शायद वो मुझे फाइट करनी होगी, मैं यहाँ पे छुप के जा सकता हूँ ना, हाँ पोस्चर एंड डेथ ब्लोज, अब देखते हैं, लोग कहते हैं बहुत टफ गेम है, अब पाला पड़ेगा ना, यहाँ पे मजा आएगा। अशिनोबी एम्स टू ब्रेक एन अपोनेंट्स पोस्चर, अटैकिंग एनिमी इज वन वे टू अचीव दिस, अच्छा यहाँ पे हमला नहीं करना है डायरेक्ट हमें घोस्ट ऑफ सुशीमा की तरफ से खत्म करने के लिए, बल्कि हमें उनका पोस्चर बिगाड़ना है, व्हेन एन एनिमीज पोस्चर ब्रेक्स, अच्छा फिर वो अटैक के लिए तैयार हो जाएगा, शिनोबी डेथ ब्लो के लिए एक्चुअली R1 से अटैक होगा और आफ्टर ब्रेकिंग पोस्चर डेथ ब्लो, ओके ओके टारगेट लॉक, बट मैं साइलेंटली जाना चाहता हूँ, मैं फाइट क्यों करूँ अभी, रुक जाओ ना, ओ बॉय गलत बात है, वेट वेट अ सेक, मुझे पता तो चले कि ब्लॉक कुछ पता, दैट्स नॉट गुड मैन, दैट्स ओके अटैक ये है डिफ्लेक्ट होल्ड L1 के, अच्छा ठीक है, तो बताओ ना ये चीजें फाइट में पहले भेज दे रहे हो यार, बट स्टिल मैं स्टिल्थ यूज करना चाहूंगा, अगर काम बन गया तो ठीक, वरना ओ माय माय दैट वाज अमेजिंग, हे देयर बॉडी, व्हाट, उठो उठो उठो, ओ बॉय यहाँ बहुत सीखना पड़ेगा मुझे, अरुण पोस्टन ब्रोके नहीं मेरी डेथ ब्लो, ठीक है इट्स फाइन यार, पहला एपिसोड है, पहले बोला कुछ जज मत करना, अगर जज करना हुआ तो पांचवे एपिसोड के बाद मिलना, फिर देखते हैं। आई हैव नो आइडिया ना कंट्रोल्स के बारे में, अभी आपने नोटिस किया डेथ पहले ही हो गई यहाँ पे, खैर यार कहानी नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, तो मैं ये कह रहा था कि देखो दो लोग थे वहाँ पे, एक लॉर्ड अशिना थे जिनसे फाइट हुई थी, और एक आ जाओ इसी बात पे हो जाए फिर। Sometimes relentless attack is not enough to break enemy's posture. Deflecting enemy's attack is a way to revise their posture. A master should use a combination of deflect and attack to achieve their moment and attack lands. Deflect, okay. Baba, उठो 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 उठो। इसे हम पैरी बोलते हैं, जो यहां पे जो लोग वर्ड यूज कर रहे हैं डिफ्लेक्ट का, ओके हाँ ये सही है यार, ये अच्छी चीज है, ये आता रहेगा तो ये अच्छी बात है, आई थिंक ये बाद में बढ़ेगा मे बी, अभी फिलहाल ठीक है। अब मैं फिर से बोलूं कुछ,
लॉर्ड अशिना वहां पे थे और वो योद्धा था, ठीक है, योद्धा ने जिसको पाल पोस के बड़ा किया, यानी कि हमें सौंपा गया एक बच्चे की का दायित्व अपने कंधों पे, और ये वही बच्चा है जो सामने हमसे मिल के आ रहे हैं, और इस बच्चे को और नहीं इन्होंने किडनैप किया है, उस लॉर्ड अशिना ने, अशिना ने गलत बोल रहा हूं। तो 20 साल बाद का जो गैप दिखाया गया था वहां पे जो फॉल हुआ है वो सिर्फ ना सिर्फ लॉर्ड अशिना का हुआ है, हमारा भी हुआ है। हमने दो चीज गवाई है उसके बीच में इन 20 सालों में, वो इंसान जो हमें लेके आया था उनको भी, और ठीक है लेज हैंग नहीं उनको भी, और इस बच्चे का दायित्व तो हमारे जो कंधे पे छोड़ा गया था, और ये भी हम निभा नहीं पाया अच्छी तरह से। लॉक ऑन, बाय लॉकिंग ऑन टू अ टारगेट एंड कीपिंग योर एनिमी इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल फाइंड इट मच इजियर टू अटैक। ओके, यू विल फाइंड इट मच इजियर डिफ्लेक्ट एंड परफॉर्म अदर कॉम्बैट एक्शंस, लॉक ऑन रिलीज टारगेट, बाय लॉक्ड ऑन चेंज टारगेट। गॉट इट, लाइक दैट। ओके, तो मैं साइलेंट अटैक भी कर सकता हूं ना यार। मुझे फाइट करना होगा, इस तरह भाग नहीं सकता मैं, भागूंगा तो फिर सीखूंगा कैसे। यार ऑप्शन कैसे आएगा कि इसको मैं मार पाऊं, रुको जरा। लाइक दैट, बेबी, ऑसम, ये सही है। ओके, लॉक 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 लॉक, कम ऑन। वाह, इतना बहुत ही समझाने के लिए, आगे बहुत ऑसम होने वाला है, बहुत अमेजिंग होने वाला है, नो डाउट। खैर, लीडर, ओके, काउंटर स्लैश, अ काउंटर स्लैश कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर डिफ्लेक्टिंग एन अटैक। म्यूजिक बहुत लाउड तो नहीं है ना। दिस अलाउज यू टू डील पोस्टर डैमेज विदाउट गिविंग एनिमी टाइम टू रिकवर। Death blow against strong enemies. Some powerful opponent require multiple death blows to be killed. Number of death blows to kill enemies from by the... Okay, ठीक है। Boy, उठो उठो, मरना नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? लॉकर हटाओ नहीं प्लीज। आ जाओ अंकल, हो जाए तो हाथ फिर से आ जाओ। ओके
स्टोरेज को बैठ रहे थे। इसको लगा लेते हैं ना यहाँ पे क्विक आइटम में, ताकि हमें दिक्कत ना हो। एक सेकंड, यहाँ पे इस वाले पे ये लगा लेता है। अब मेरी हेल्थ आराम से बढ़ती रहेगी, राइट? ओके, कूल। एश क्रिप्ट इनटू अ हार्डन क्लंप, थ्रो इट एट एनिमी टू टेंपरेरली डिस्ट्रैक्ट देम। इन एशिना द स्नो falls thick and thus the hearth runs thick with ash. Okay. यानी बर्फ के साथ मिलके ये वो कह सकते हो आप स्मोक ग्रेनेड की तरह है कुल मिला के। वेट, फिर यहाँ क्या है? इतना भी नीचे नहीं चेक करना था, क्या है वहां पे? एक रास्ता वहां जा रहा है, एक रास्ता यहां जा रहा है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है। माय गॉड, सो मेनी। क्या है मगरमच्छ? यू ऑल राइट, मैं यहां मगरमच्छ मारने आया था। खैर, मैं यहाँ बहुत देर तक रुकना नहीं चाहता, इस अगर इस एरिया में रुकना है तो, बिकॉज ये बहुत आई हेट दिस रात का सीन। मुझे लगता है यहाँ बहुत मिलने वाला है शायद, बट देखते हैं। This supposed to be the escape route. Call the divine heir to the... हाँ बिल्कुल, यस, क्यों नो, क्यों? ऐसे मतलब कुछ छूट तो रहा है यहाँ पे, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे बाद में जो होगा। Wolf, you found it. Now let us leave this place. Yes, my lord. To think that this is the only way, to run from the fated bloodline is the only answer. All right, let's go. जिस इंसान, जो इंसान हमें अपने साथ लेके आया था, उसने एक कोड हमें सिखाया था कि अपने फादर की बात पहले मानना, उसके बाद तुम्हारा गुरु, और वो गुरु कोई और नहीं, इस बच्चे की बात की जा रही थी। वाओ, नाउ दिस इज ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग। द डिवाइन एयर, लास्ट वी स्टूड टुगेदर वाज योर अंकल्स फ्यूनरल। Lord Genichiro. Thank you. Leave this to me. Shinobi stands in our way. ये
उसी राजे से बिलोंग करता ये इंसान जिसने इस बच्चे को उठा के यहाँ लेके आया। बाय द वे ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली है। You face Kenichiro Asura. Oh boy. So fast, man. So damn fast. Shit. Boy, oh boy, ये बहुत tough होने वाला है, no doubt. बहुत tough होने वाला है. Is that all Shinobi has to offer? All right then, मजा आएगा. Great. The divine heir will be coming with me. So इसका मतलब दोबारा fail हो गए इस बच्चे को बचाने में. एक बार हम पहले भी गुम कर चुके हैं ना, खो चुके हैं. तभी तो ये उठा के ले गए थे. और हम दोबारा बचाने आए थे, फिर हमने खो दिया दूसरी बार. वाव, स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली जो भी है, जैसा भी आगे. मैकेनिकल हार्ट. व्हाट इज दिस? कुछ बोलते हैं इसको एक वर्ड से, क्या कहते हैं जो हाथ हम अलग से लगाते हैं उसको, एक वर्ड होता है उसके लिए. सो यू आर अवेक. लुक्स लाइक डेथ इज नॉट योर फेट जस्ट येट. ये मूर्तिकार है शायद जिसने बचाया हमें. Shinobi prosthetic, yeah, prosthetic. Shinobi prosthetic, the artificial arm of a Shinobi passed down by the sculptor. A replica of a human arm fitted with a variety of mechanism. I think हमें यहाँ से नई कुछ tools या चीज़ें मिलेंगी access करने के लिए. Designed with modification in mind. While it bears the number of cuts and it's stained thick with blood and oil, it has been perfectly maintained. Yeah? Remnant 5 second. Close praise corn. Praise. क्या मैं समझा नहीं ये क्या है. What do you call yourself? Your eyes, the eyes of a wolf who has failed in his duties. Or so it seems to me. That is not your concern. But he's right. Spoken like a true shinobi, I must carve the Buddha. You do what you will. Ask how you got here, huh? Why am I here? All I did was drag you here. Didn't even know if I was dragging a corpse. Couldn't let you get eaten by a pack of wild dogs. How long was I asleep? Some time has passed since I found you. I see. However, your master yet lives. He's being held prisoner in Ashina Castle. They will soon make use of his bloodline. Looking at you, I'm sure you appreciate the value it has. Bloodline? वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है. और फिलहाल आम के बारे में बात करते हैं जो हमें नया, ये बायां हाथ जो नया मिला हुआ है. My left arm. What did you do to me? That is what I call
The shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. You can have it. Shinobi prosthetic? It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools? I see. For this device. You catch on quick. If you bring me shinobi tools, I'll find a way to fit them to the shinobi prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. अभी इसके बारे में हमारे पास बहुत जानकारी I've said too much. Go now. नहीं है, लेकिन सम वक्त के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो शिनोबी टूल्स मिलेंगे जो हम अंकल को लाके देंगे और फिर हमारे हाथ में अपग्रेड करेंगे तो फिर नए नए पावर्स सॉरी पावर्स की बात नहीं करना चाहिए नए नए स्किल्स जैसा कुछ अनलॉक होगा बाय द वे हाँ ये बात करते हैं डिवाइन एयर ब्लड क्या यू मीन व्हेन यू सेड दे विल मेक यूज ऑफ हिज ब्लड लाइन आई डोंट नो मच अबाउट हिम एक्सेप्ट द ड्रैगन्स हेरिटेज देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड बाय दैट नेम And that blood runs through your master's veins. So the divine heir. Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. Hamari body mein strange You're thing. Quite the strange one. Yet other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. Oh. You two might get along. चलो बात करके देखते हैं. So, उस बच्चे की रक्त में कुछ खास बात है और हमारी ये हालत किस हालत की बात कर रहे हैं अंकल? उसका भी उस बच्चे से कुछ लेना देना जरूर है और वो मास्टर है हमारा उसे बच्चा बोलना गलत होगा ना. Remnant. Shinobi can leave behind shadows of their past action. Knows. हाँ, known as Remnant. इसकी बात कर रहा हूँ. क्या है ये? Remnants are left to discipline one's peer. Some are masters of the way ahead. Others provoke sporting rivalries. Open event menu. Note a network connection required to leave. Network connection required. मतलब क्या है? कोई और प्लेयर खेल के गया हुआ है? ऐसा बोलना चाहते हो? मैंने sword क्यों निकाला? खैर क्या कर रहा हूं मैं ये कमिंग विद स्कप्टर आइडर मेनू स्कप्टर आइडर सर्व एज अ चेक पॉइंट एंड कैन बी फाउंड थ्रू आउट अशिना रेस्टिंग एट स्कप्टर आइडर विल कंप्लीटली रिप्लेनिश वाइटलिटी एंड रिस्टोर वन ऑफ द रिजर्वेशन एडिशनली क्विक आइटम्स एंड स्पिरिट आइटम लॉन्ग शुड बी रिजर्व विद सम एक्सेप्शंस रेस्टिंग विल ओ बॉय स्टार वॉर्स जेडाई की तरह चीजें तो रिवाइव करेगा सॉरी रिप्लेनिश करेगा ये हमारी हेल्थ बाकी लेकिन साथ ही साथ एनिमीज भी वापस आ जाएंगे बहुत अच्छी बात है मुझे लगा ही था कुछ कैच होगा इसके में ऐसा नहीं हो सकता रेस्ट एट द बट रेस्ट चुक कर लेते हैं देखते कर क्या होता है ना चेक पॉइंट ही बन जाएगा चलो ये अच्छी बात है थोड़ा फास्ट हुआ बहरहाल अंकल ने कहा कोई और भी है यहाँ पे बिल्डिंग के लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई बंदा है वो भी शायद स्ट्रेंज पर इसकी बात तो नहीं हो रही थी ये सॉर्ड अंदर कैसे रखते हैं मैं इसको लेके नहीं घूमना चाहता इस तरह से अरे नहीं 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 शिट खाना नहीं था उसे खैर इसको सॉर्ड को अंदर कैसे रखते हैं एनीवे लेट्स टॉक टू हिम हाय देयर बडी Never seen you before. Your name? Samuel. Won't tell me. But you do have the look of a skilled shinobi. A shinobi. Or perhaps... Sir, please heed my humble request. Face me in battle. What? Face you in battle? Aram se, aram se, aram se. Jisko dekho sabko ladna hai yaar, pyar mohabbat se baat nahi ho sakti kya? Lad lo. अरे वो डैम स्टिल अलाइव ये क्या बा व्हाट वाज दैट दैट स्वॉर्ड्समैनशिप इट वाज अ थिंग टू बिहोल्ड फ्यू हैव मैनेज्ड टू किल मी इन सच अ थरो मैनर व्हाट आर यू सम कॉल इट अनडाइंग
others infested. I can't die, so I just am. How about you? What brings you to a rundown temple like this? Hum kuch nahi bata rahe hain use. In your mind, say, why don't you use me for some sword practice? Arey haan, ye achhi baat hai. Handy for whatever your mission is. Ye achhi baat hai. A warm body that can't die might prove useful to you. I volunteer mine. That's great, well, man. That's great. Except, yeah. Very well. Right then. Let's go. They say swinging one sword is a cure for boredom. Training and talk. Training karte hain. Attack ke liye. Nahi attack nahi. Deflect ki step. Deflect ki karo. In that case, I stand as your opponent. Music bahut khatarnak hai. Sometimes relentless attacks. Attack is not enough to break the enemy's looting and theek hai. Okay. That was good. Okay. Come back whenever you like. If you have techniques to try out, I'm at your disposal. ये बहुत अच्छी बात हुई. जब भी कोई नया move हम सीखेंगे, मुझे याद है अभी भी घोष्ट और सुषमा जिसे मैं बहुत miss कर रहा हूँ. मैं बहुत ही start भी करूँगा, but अभी बहुत सारी चीज़ चल रही हैं. ये कहने वाला था मैं. कभी कभी इतनी सारी बात एक साथ घूमती है कि मन करता सब कुछ बोल दूँ फटाफट एक सेकंड में. ये कहने वाला था मैं कि जिस तरह मुझे याद है घोष्टा सुशीमा में आगे बढ़े थे तो बहुत अमेजिंग अटैक सीखा था हमने. जस्ट लाइक दैट यहाँ भी सीखेंगे. और हम इसको स्वॉर्ड को अंदर कैसे रखूँ यार, कोई ऑप्शन नहीं है क्या? वैसे ही जैसे सब चीज़ें सीखते जाएंगे हम यहाँ पर आके इनके पास मास्टर ट्रेनर के पास हम वो चीज़ें ट्रेनिंग कर सकते हैं उन चीज़ों के साथ. ये अच्छी बात है. बहरहाल मैं यहाँ से थोड़ा आगे निकलता हूँ. ग्रैपलिंग हुक. वाओ, द शिनोबीज ब्रदर के ग्रैपलिंग हुक अलाउज टू परफॉर्म सिस्टम कंट्रोल सिस्टम. बट मैं थोड़ा अभी देख लूँ ना क्या है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा. ओके, ब्रिलियंट मैन, जस्ट ब्रिलियंट. अभी भी मुझे याद है गॉड ऑफ वॉर का पहला एपिसोड इतने गंदे तरीके से खेला था मैंने. और फिर याद है मुझे आखिरी एपिसोड जब मैंने उसे फाइट की थी वेलकरी से, क्या कॉम्बो चलाए थे मैंने. तो स्टिल वही है, अभी हाथ सेट कर रहा हूँ एक बार बहुत, लेकिन मज़ा आएगा स्टिल. अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे कच्चा हूँ तो बस एक बार सेट हो जाए बढ़िया से फिर देखते हैं. बहरहाल बहुत प्यारा लोकेशन, लेकिन ये क्या बात है. अशीन आउट्स अभी से मैं वहीं पर. ये जगह जगह बने हुए हैं क्या, वैसे ही बने होंगे. 30 सेकंड. ये ऑनलाइन प्लेयर पहले लोग के हैं क्या जो यहाँ पे आके. एनीवे ये सिर्फ सेव करने के लिए नहीं है बल्कि ये फास्ट ट्रेवल की तरह भी काम करने वाला है. ओ माय, अच्छी बात है ये. रेस्ट. Good. Enemies drop loot such as item and money. Multiple enemies can be looted at once and from some distance away. Items found in the world are different than loot in that they must approach to a pick to be picked up. Press and hold this to acquire loot. Ek minute. Press and hold this to acquire loot. Press near world item. Pick up item. Okay. Then ruk. Like that.
Ceramic shard. A piece of pottery that breaks with a satisfying crack when thrown. Throw it iron to draw their attention. Throwing and smashing such pieces made for a popular sport. अच्छा इसके लिए है उनको क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये काम आएगा. बहरहाल मैं और थोड़ा देख लूँ और क्या है यहाँ पे. अक्सर यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ मिला तो नहीं बट हिडन चीजें होंगी. हिडन मिशंस भी हो सकते हैं. यहाँ एनिमी था कहीं आसपास. पैरों की आह ये रहा. ओ बॉय मैं उसको फाइट मैं जब भी मरूंगा तो मुझे पावर मिलेगी दोबारा से जिंदा होने की. लेकिन ये हर बार सिर्फ एक बार रहेगी जब मैं रेस्ट करूंगा तो या फिर एनिमीज को मारूंगा तो. बट एनिमीज है कहां पे कहां कोई हाईलाइट पावर नहीं मिलती क्या. बोल बॉय अरे गलत बात. ओए फाइट शॉट से हो रही थी मैन. एनीवन एल्स बड़े आए. खैर एक मिनट आइटम लूट ले फिर आगे बढ़ेंगे बिकॉज मुझे अभी पता नहीं क्या यूज कहां करने वाले हैं. मे बी मर्चेंट वगैरह यहां पे होंगे उनसे बाय करना होगा. लेकिन मैं फिस्ट फुल ऑफ एश हाँ ही ले लेते हैं. वेट अ सेक मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ माँ. इससे पहले मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल हो मैं खुद इस्तेमाल तो कर लूँ. मुझे खुद को नहीं पता है क्या क्या पावर्स है मेरे पास. ये तो मैंने लगा रखे हैं. शार्ट की बात अभी फिलहाल यूज़ नहीं करना चाहता. हाँ ये करूँगा मैं. ये इसको लगाओ ना यहाँ पे. हाँ ये दो चीज़ें लॉक्ड हैं. ये है क्या लेकिन मुझे मिला नहीं होगा इसलिए लॉक होगा. इन्वेंटरी मेरे पास चीज़ें जो आपको दिखाऊँ मैं. ये चीज़ें हैं जो अभी यहाँ दिखाई जा रही हैं और अपग्रेड मटेरियल. बहरहाल अब मैप को सीन नहीं है क्या. रेमिनेंट शिनोबी कैन लीव बिहाइंड शैडोज. ठीक है नहीं नहीं मैप क्या कोई मैप का सीन नहीं है. मैं सारे बटन प्रेस कर लूं क्या. मैप को सीन नहीं लग रहा है. एनीवे एक टाइमर्स चल रहा है मेरे हेल्थ के ऊपर. आई थिंक वो उसके लिए है क्या कि मैं दोबारा रिवाइव हो सकता हूँ कि नहीं वहाँ पे. उसके लिए है शायद. खैर मैं थोड़ा आगे बढ़ता और घूमता हूँ देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पे. A mechanical device made by the mechanical genius Dogen. Dogen कोई बंदा है यहाँ पे. मर्चेंट है कुछ है खतरनाक है. लेकिन वो कैन फिट इन टू सिनेबिस. अरे वाह ये हमारे काम आएगा यार. आप नोटिस कर पा रहे हो चीज़ें. ये मुझे बहुत पसंद है चीज़ पता है. बहुत पसंद है स्टार्टिंग से ही कि आपको
चीजें डायरेक्ट नहीं मिलती, आपको खोजना पड़ता है, घूमना पड़ता है उसके लिए। आप पूरा छानते हैं, उसके बाद आपको चीजें मिलती हैं और फिर जाके आप खुद को अपग्रेड कर पाते। बहुत अमेजिंग चीज लगती है मुझे। ट्रेवल्स का टाइटल बाय यूजिंग द होम वर्ल्ड। अच्छा, मैं अगर मैं अपना आइडल यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये मेरा होम हो गया। ओके कूल, ये अच्छी बात है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करके ट्राई कर लेते हैं, क्या कि मैं पहुंच जाऊं। इसको भी लगा ही लेते हैं, एक टुकड़ा वो कैंसिल नहीं, लेकिन इसको लगाना खतरनाक हो सकता है। अगर मैंने इसको लगाया, मान लो गलती से प्रेस कर दूं तो घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा नहीं, पूछेगा। अच्छा कहां जाना है ये भी पूछेगा। मोहब्बत हो रही धीरे धीरे मुझे इससे। बहुत अच्छा है ये लास्ट कमेंट। क्या कहां जाना है? ये वाला, यहां जाना है, टेम्पल जाना है मुझे। आई थिंक सही डेस्टिनेशन हो ये वाला, गलत ना हो जाए। अमेजिंग। ये सोर्ड प्लीज अंदर रख लो यार, ये ऐसे ही लेके घूमेंगे क्या पूरे? खैर, हाय देयर, हु आर यू? यू ट्रूली रिटर्न्ड फ्रॉम द डेड, द पावर ऑफ द ड्रैगन्स ब्लड। आई नेवर थॉट आईड सी इट विद माय ओन आईज। हु आर यू? माय नेम इज एमा। I am a doctor serving a certain master. What master? Forgive me, but for his safety, I cannot reveal his identity. However, my master gave explicit orders to assist you in any way I can. I'm not telling you to trust me. However, I must fulfill my master's orders. The gourd of medicinal water you possess, that was originally a creation of mine. क्या बात है? I am a doctor, and I will assist you in that capacity. मुझे लगता है present healing, हाँ ठीक है। You made this gourd. Yes, it was intended for Lord Kuro, but it seems he entrusted it to you. I'm sure you may have noticed, but the medicinal waters in this gourd spring forth on their own, even after being emptied. You will find it full again after a short rest. Yes. Is there a way to improve it? Bring me gourd seeds. Gourd seeds? बहुत बढ़िया। Yes. Medicinal waters flow from gourd seeds. Adding new seeds will increase the volume of these medicinal waters. If you find any, bring them to me. Right. मुझे बहुत पसंद है ये चीज। अब मुझे explore करना पड़ेगा। I love exploring, man. मुझे घूमना होगा, seed लेके आना होगा। आंटी को दूंगा मैं, sorry, इनको दूंगा। एमा को ये अपग्रेड करेंगी सीड को, फिर वो जल्दी। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। मेरे पास सीड है? डोंट हैव एनी सीड? या राइट, आई है नहीं। एनीवे गुडबाय। नहीं नहीं, बहुत जल्द मिलेंगे हम, बहुत जल्द मिलेंगे। मैं सीड लेके आऊंगा। फिलहाल है दे बड़ी। मैं गलती से बार बार उनको, उसको मतलब बार बार स्टार्टिंग से वो क्या कहते हैं, बच्चा बच्चा कर, वो बच्चा नहीं है, ही इज लॉर्ड कुरो, राइट? सो आगे से लॉर्ड कुरो कह के संबोधित करेंगे। मैं गलत तरीके से बात कर रहा था, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था। मुझे लगा था कोई बच्चा जिसके लिए हमें बोला गया कि आप उसको देखभाल करो एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है। इज़ अ मास्टर, इज़ अ लॉर्ड, इज़ अ लॉर्ड। नाम क्या था? कुरो। इज़ लॉर्ड कुरो। ओके गॉट इट, इज़ माय मास्टर एक्चुअली। एनीवे हाय द, आई फाउंड वन, अ शिनोबी टूल। यस, आई सेड बिफोर दैट योर प्रोस्थेटिक आर्म वाज अ फैंग, बट बाय फिटिंग शिनोबी टूल्स टू योर आर्म you'll be able to change the form of that fang. Thick shields, break them into splinters. Swift foes, bring them down from afar. Fitting more devices means more ways to slay your enemies. If there's someone that needs killing, there's a proper way to kill them. That's all there is to it. Hmm. Seems you know this prosthetic very well. I should calm myself. The more I speak of bloodshed, the more demonic my sculptures will become. Give it here. I'll fit that tool for you. Fitting prosthetic tools, regular shinobi tools. Okay, close. Loaded shrunken. तो क्या मैं एक साथ एक बार में एक ही यूज कर सक, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखता है। हाँ बिल्कुल। Pull a load into the wheel and launch it at target in a single flowing motion. अच्छा एक उसकी तरह है जो, नहीं क्या बोलते हैं उसको, शुरीके नहीं बोलते हैं क्या, उसको फेंकते हैं वो नाचते हुए जाता है और चक से लगता है।
आई थिंक ब्लेड मूवी में इसका इस्तेमाल, हाँ ब्लेड मूवी अगर आपने देखी देखिए देखिएगा बहुत अच्छी मूवी है ब्लेड 1, 2, 3, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया आई थिंक वैम्पायर को मारने के लिए ऐसा कुछ ना. एनीवे Yes, right. That kind-faced Buddha you see over there. Don't do anything funny with it. Projector tools, opening the projector. Projector tools, switch. Projector tools. Okay. मैं स्विच कैसे कर? अच्छा मुझे लगाना पड़ेगा पहले. आह, ये अनलॉक हुआ अभी. Great. Like that. मेरे पास कुछ है नहीं शायद. Zero दिखा रहा maybe. What is this? You see the kind-faced Buddha there? That isn't one of mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him, it can probably be of help. Confront what is inside him? Anger, sadness, or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing. Buddham Sharanam Gacchami. चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं अभी. Three temples are required to activate procedures. Are required to consume each time these abilities are used. Spirit emblem. Spirit emblem can be obtained from defeated enemies in the world and purchased from sculptor idols. If you pass near them, they will find their way to you. Okay. Again, आपने sword निकाल ली. Okay, ये भी ठीक है. इसका इस्तेमाल करते हैं ना. नहीं इस बार इस तरफ चलते हैं. Stealth death blow. You can perform a stealth blow. ये मैं कुछ चीज़ें बहुत पहले ही देखने लगता हूँ इसलिए वो चीज़ें परफॉर्म ठीक से हो नहीं पाती. देखो स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैं पहले ही परफॉर्म कर रहा था जबकि मुझे यहाँ पे आके इसको खैर. The punching death blow is one of these performed by leaping at an unaware enemy from high ground. Okay. Lock on enemy, jump and death blow. ठीक है. कैसी आवाज थी ये? अभी कोई अच्छा ये रहा. वाओ ब्रिलियंट. Come on, mate. आराम से, मोहब्बत से, प्यार से, कोई कोई जल्दी नहीं है. ये अच्छा है. सीरियसली मुझे आइडिया नहीं लग रहा है सिर्फ एक इस चीज से करना क्या है. इसका क्या करूं मैं ये 30 सेकेंड्स एंड ऑल व्यू कर लूं फिर क्या करना है. अच्छा कोई कैरेक्टर ये देखो मैं लॉग इन हूँ ठीक है मैं ऑनलाइन कनेक्टेड है मेरा सर्वर से मैं मानता हूँ लेकिन क्या ये मतलब देखो वो वहाँ भाग गया फिर उसकी उसकी परफॉर्मेंस मुझे दिखाई जा रही है उसने यहाँ फाइट की होगी सो करूँ क्या इस चीज़ का. लेकिन मैं मुझे बंद करना होगा जगह जगह दिखाया गया मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ उस चीज़ से. लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ी बहुत उसकी याद आ गई डाइंग लाइट की चीज से.
माय मिस्टेक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बॉय मूव 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 मूव, कोई बात नहीं। एक खाली, हाँ ठीक, अब यहाँ फाइट करेंगे आराम से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इजी, कोई बात नहीं। एक मिनट एक मिनट, होल्ड करो उसे यार, हम जा सकते हैं ऊपर बड़े प्यार से। कौन है अभी? आवाज तो ऐसी है जैसे कोई है अभी भी। ब्रिलियंट मैन, बहुत बढ़िया करा था, करा था अभ्यास, जड़ मती हो तो सुजान। यहां पे आके मैंने हैंड लगाया था और यही से हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू होने वाली है। चलिए ठीक है, आज का एपिसोड फिनिश कर रहा हूं यार। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत कुछ अब इसमें है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, बहुत कुछ है, मुझे अभी सच में कुछ नहीं पता। अगर मैं ठीक से बताऊं तो आई थिंक 0.10% में भी समझ पाया हूं चीज़ों को, टूल्स को, इसको मैं बहुत 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 कुछ सीखना है मुझे, बिल्कुल नादान बच्चा हूं इसमें अभी। सो मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, और उम्मीद है और स्टोरी साथ ही कंटिन्यू करेंगे। मैं चांसेस बहुत कम है कि कुछ अकेले एक्सप्लोर करूं, साथ ही ये देखेंगे सब कुछ अकेले समझेंगे, टू जेड कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। बाकी डू लेट मी नो क्या आपको उम्मीद थी कि मैं इस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। झूठ नहीं बोल रहा, ये नहीं कि हाँ हाँ मक्खन लगाने वाला काम नहीं, मुझे पता है कि आप क्या बोलोगे, समझ जाता हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और इस पे 6000 लाइक्स होते ही अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा, 6000 लाइक्स होते ही अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लव यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।